यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यार यहाँ पर बहुत बढ़िया होंगे भाई और मज़े कर रहे होंगे। गाड़ी देख रहे हो कौन सी है, गाड़ी कौन सी है? दी वन एंड ओनली, दी वन एंड ओनली, रुक जाओ एक मिनट। दी वन एंड ओनली महिंद्रा XUV, नहीं स्कॉर्पियो N। जी हाँ दोस्तों, लाइट्स के कंट्रोल मस्त। चलो अब आप सभी लोग बोलेंगे आरिश भाई ये क्या कर रहे हो आप, आपने गाड़ी को निकाल रखी है। और भाई साहब दोस्तों ये देखो यार, ये देख रहे हो, आई मीन इतनी ज़्यादा गंदी कर रखी है यार मैंने इस कार को। मैं बता नहीं सकता, मैं इसको ना सुबह से इसके साथ ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहा हूँ, अभी तो मुझे दिखना बंद हो गया, मैं सिर्फ अंदर से देख पा रहा हूँ, बाहर तक का ये जो डर्ट लेवल है ना वो देख पा रहा हूँ मैं, कितना ज़्यादा ख़तरनाक है दोस्तों। साइड में देखो, पीछे देखो, अच्छा वो भाई सनरूफ पर नहीं आया कुछ भी, वरना तो भाई ख़तरनाक सीन बन जाता। तो भाई सनरूफ पे कुछ नहीं आया, बट दोस्तों मैं इसके जो लेवल्स तो भाई देखो चेक करने बनते ही है ना कि गाड़ी किस हद तक भाई ऑफ रोडिंग को झेल सकती है। बट चैलेंज ये नहीं है दोस्तों, चैलेंज है इसका क्रैश, इसका क्रैश टेस्ट वो है इसका आज का चैलेंज दोस्तों, कि गाड़ी कितनी अपने आप को जो झेल सकती है, कितना एक्सीडेंट झेल सकती है, कितना होने के बाद भी गाड़ी चलने के लायक है। ठीक है, आज के इस वीडियो में ये होगा। तो चलो यहीं से तो स्टार्ट में कर ही रहा था, अब रोड के ऊपर चला जाए और टॉप स्पीड पर ठोकी जाएगी गाड़ी को। ठीक है, और देखो पहाड़ वहाड़ से तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में गिराऊंगा, अभी इस वीडियो में नहीं, वो तो एक अलग चैलेंज होगा। अभी तो ये गाड़ी रोड पर आई है, अभी लोग इसको ख़रीदेंगे, तो अगर दूसरी गाड़ी से ये गाड़ी ठुकती है तो किस हद तक ये गाड़ी बचेगी भाई। अभी तो फ़िलहाल इन चीज़ों की बात की जाएगी, ठीक है ना। ऑफ रोडिंग वगैरह कर ली, बढ़िया चल रही ऑफ रोडिंग में, पावर की थोड़ी सी कमी तो जैसे आपको सुबह वाले वीडियो में पता चल गया होगा, अगर सुबह वीडियो देखी होगी तो पावर की थोड़ी सी कमी है। अच्छा हल्का सा टच होते इंडिकेटर गया गाड़ी का, सही है भाई, स्टार्टिंग के लिए मोर देन इनफ है। यहाँ से चढ़ जाएगी क्या? चढ़ तो गई, बढ़िया। चलो बढ़िया, अब चलती है गाड़ी फुल स्पीड पर और गाड़ी ठुकेगी इसमें। ए ठीक है भाई, ज़्यादा तगड़ी कोई टक्कर नहीं है भाई, ज़्यादा तगड़ी नहीं थी। क्या हुआ? थोड़ा बहुत, जस्ट थोड़ा बहुत, लाइटें सही हैं गाड़ी की, सब सही है। और इसका क्या हुआ? हो भाई महिंद्रा का लोहा सही अच्छा है, गाड़ी के दोनों शीशे फोड़ दिए, पिचका दी थोड़ी सी कार को, बट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा भाई गाड़ी के ऊपर, इसके ऊपर भी। और स्कॉर्पियो पर इतना देखो दोस्तों पड़ा ही नहीं, बिल्ड क्वालिटी कह सकते हैं हाँ भाई अच्छी है। इंडिकेटर्स चल रहे हैं दोनों, अब इससे भी हाई स्पीड पर। अब जो भाई लोग लेंगे इस गाड़ी को, गाड़ी को जाहिर सी बात है भाई भगाएंगे भी, ठीक है। और मैं टैंक में बिल्कुल पेट्रोल भाई कम रख रखा है ताकि भाई ज़्यादा ब्लास्ट ब्लास्ट ना हो जाए, कुछ ऐसे चक्कर रहा हूँ। अब मानिए ये गाड़ी है, किसी से ऐसे टकरा है अगर ये गाड़ी तो भाई साहब स्कॉर्पियो टफ है, स्कॉर्पियो का तो बम्पर भी नहीं जा रहा, इस गाड़ी का ओनर ही बेहोश हो गया मेरे ख्याल से। इस गाड़ी का बोनट वोनट भाई सब कुछ खुल गया, और स्कॉर्पियो का इतना भाई कुछ यहाँ पर स्कॉर्पियो N का बिगड़ा भी नहीं, सही है भाई। ये चीज़ अच्छी लगी भाई मेरे को, ये चीज़ अच्छी लगी, गाड़ी अभी चल रही है मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। लाइन से तोड़ दी चलती है गाड़ी ने, देख रहे हो ये देखो भाई साहब भयंकर। चलो टॉप एंड ही अपनी निकालेगी, जो 150-150 जो भी निकालती है। अब आया ना मज़ा, कुछ इस टक्कर में आया कुछ मज़ा, तो ट्रक का तो भाई बम्पर वम्पर सब गया, साइड हो गया, एयरबैग वगैरह खुले नहीं, बंदे के स्टीयरिंग पे लगा, बंदा बेहोश। इसमें इतना इम्पैक्ट अंदर मुझे कार में महसूस नहीं हुआ भाई, ये बात अच्छी है भाई स्कॉर्पियो की,
अंदर इतना इम्पैक्ट महसूस नहीं हुआ। बाकी स्कॉर्पियो एन की अब भाई शक्ल बिगड़नी स्टार्ट हो चुकी है बढ़िया, पर अभी तक स्कॉर्पियो एन में कुछ ऐसा हुआ नहीं जो कि भाई दर्दनाक हो या फिर कुछ इस टाइप का। लाइटें वाइटें फूटी हैं, कवर लगा हुआ है गाड़ी के आगे एक, जो अच्छी बात है। व्हील्स के पास तक जो बंपर पहुंच रहा है वो गाड़ी का, वो तो देखा जाएगा। एक भारी भरकम ट्रक से टक्कर होने वाली है, ट्रक ट्रक है। पर एक बात बताऊँ मैं भाई सब ट्रक को किस हद तक अंदर पहुंचा है, और ट्रक का ड्राइवर भी बेहोश, क्या बात है। देखो ज़रा मेरे हिसाब से ट्रक का ड्राइवर बेहोश है भाई साहब। और खैर मैं इसका शीशा तोड़ के आगे निकल गया, वो इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, बट स्टिल कार स्टार्ट है अभी, स्टार्ट है भाई अभी, क्या बात है। मतलब टफ है भाई, बिल्कुल ऐसी नहीं है जैसी एक ह्युंडई ने अल्काज़ार बना रखी हो, मोड़ लेने पर ही मुड़ जाती है, वो घूम जाती है बढ़िया। अभी तो नॉर्मली ड्राइव कर रहा हूँ मैं इसे, थोड़ा और तेज सामने वाला ट्रक आ रहा है, इतने बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, नॉर्मल टाइप का ही था। चलिए बढ़िया, घटिया वे में भी चलानी है गाड़ी को, कहीं कहीं से कुदाना भी है कार को। ओह माय गॉड, द कार इज स्टिल अलाइव, बढ़िया, ये तो बात अच्छी है गाड़ी के बारे में। ओ भाई साहब, ओके पीछे लगने के बाद क्या हो रहा है, एक शीशा टूट गया गाड़ी के, साइड वाइड के शीशे तो गए। चलिए बढ़िया, भाई कार चलने में सही है यार, आप इसको इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं बता सकते। ठीक है बस शीशे से टूट गए, डेंजर में है, रेडिएटर वगैरह टूट गया है, ओवरहीट हो रही है थोड़ी सी, हीटिंग का वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट मुझे नहीं पता वो कार मैनेज भी हो रहा है, वो कैसे कर रही है मैनेज आई डोंट नो, कुछ अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रखा है क्या यहाँ पर। रेंज 328 किलोमीटर बता रही है अभी, भाग रही है बढ़िया, हाई स्पीड पर ही ठोकूँगा इसे। एक बाइक बढ़िया, लास्ट में माउंट चिलियार्ड से फेंक दूँगा। ओके और राइट, फेंकने की ज़रूरत नहीं आएगी माउंट चिलियार्ड से, गाड़ी सामने से इतनी बार ठुक चुकी है गाड़ी की, जवाब दे दिए कार अब। इंजन में से धुआं निकलने लग गया, मतलब कि गाड़ी की ऐसी तैसी हो रही है। चलो बढ़िया, अब भी टॉप खींच रही है यार, एक बारी पेड़ से ठोक दिया बढ़िया। व्हील डायमेंशन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो गया बढ़िया, अब भी देखो टॉप स्पीड खींच रही है कार की या नहीं। चल मेरी धन्नो, आरपीएम थोड़े थोड़े से लो हो रहे हैं, चल मेरी धन्नो चल चल चल, थोड़े से आरपीएम खींच, लिमिट नीचे आ रही है कार की, पर रेड डेड लाइन पर जा रही है गाड़ी फिर भी। इस हाई स्पीड पर अगर हम लिमिट हो जाए कार, थोड़ा काला धुआं हो गया गाड़ी के अंदर। वैसे गाड़ी ने सहा बहुत है दोस्तों, क्या कार में भी इतनी इनफ पावर है कि पहाड़ पे चढ़ सके या फिर ट्रेन का सामना कर सके।
मैंने हर कंडीशन पे चला के देख लिया, जबकि कोई नॉर्मल बंदा ऐसे होगा नहीं, किसी के अगर होगा भी ना तो छोटा मोटा किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो बात अलग है भाई, ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होगा। ऐसे इतनी गंदे तरीके से डेंट होगा कोई एक बारी में तो। गाड़ी बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग कार है, देखो जहाँ तक भाई अभी तक हमें पता चला है स्ट्रॉन्ग ही लग रही है भाई, इतने पैसे लग गए। पीछे से ठुकने की बारी है गाड़ी की, ट्रेन आ जाए आगे से तो व्हील व्हील सब बैठ गए, अंदर बैंड हो चुके हैं भाई, अब बस वो चल रही इंजन स्टार्ट है, बस वो गनीमत है। स्टार्ट भी एकदम हो रही है, एकदम हो रहा है इंजन स्टार्ट, सेल्फ लंबा ही नहीं लग रहा, लग रहा है हल्का सा, बढ़िया है थोड़ा बहुत। तो ट्रेन मेरे ख्याल से आने ही नहीं वाली, इसको ऊपर लेकर चलते हैं। क्या गाड़ी में अभी इंजन में दम है इतना ठुकने के बाद के ऊपर चढ़ सकती है गाड़ी। हिल असिस्ट ओपन हो गया, सेंसर काम कर रहे हैं अभी गाड़ी के। ओ भाई व्हील आगे वाला कहाँ पर आया गाड़ी का, पर भाई दम है, अच्छी रेटिंग ही मिलनी चाहिए भाई कार को, दम है भाई गाड़ी के अंदर। स्कॉर्पियो एन में है दोस्तों, तुम देख रहे हो कितनी बढ़िया तरीके से अभी भी ऊपर चढ़ रही है दोस्तों गाड़ी। ओ भाई साहब चल, अब इंजन में पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, सीधा इतना ऊपर आने का ठक सी आवाज आई है, 2000 आरपीएम पे अटक गया, फिर धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है, मैंने थ्रॉटल की नहीं छोड़ा, बहुत धीरे धीरे चढ़ रही है पर गाड़ी यार, फिर वो ठक सा बोल रहा, मतलब कि जो नया वाला मज़ा था ना वो कार के अंदर वो ख़त्म हो गया, अब नहीं है वो, कभी आप सोच रहे होंगे अब भी है ना, अब कुछ नहीं है। बढ़िया बढ़िया, चलो ओह माय गॉड, अटकी है गाड़ी आ गया, ओ भाई अब तक धुआं निकल रहा है टायर में से, ओ माय गॉड गाड़ी का इंजन ऑयल भी टपकने लग गया दोस्तों, धीरे धीरे टपक रहा है वो देखो नीचे। ओके ओके ऑल राइट ओके, ओ माय गॉड गाड़ी अभी चल रही है, दरवाजे वरवाजे बढ़िया तरीके से टूट चुके हैं। ओ भाई साहब ओ भाई साहब, रियली वेरी स्ट्रॉन्ग का, बट एक मैं बात बताऊं दोस्तों आपको, इस गाड़ी में कभी भी आग लग सकती है, ये देखो इसमें इसका इंजन ऑयल भी टपक रहा है, बट गाड़ी को मैं भाई 5 में से 5 स्टार दूंगा, गाड़ी बहुत अच्छी है अभी स्टार्ट है, और इस गाड़ी को लेना और गाइस पैसा खर्च करना ना भाई वर्थ इट है। बाकी इस वीडियो से आई होप कि आपको पता चल गया, पता चला तो प्लीज़ कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब, बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए,